Hello dear students, welcome to our channel Suduti Edu Talk. Myself Engineer Amish Shivastav, TJT Science, Suduti Global Academy, Etawah. Dear students, today I will teach you light. This is the first chapter of physics for class 10th. This lecture is comprised of overview for lecture, history, introduction, different phenomena of light like diffraction, reflection, refraction, dispersion and scattering. So बच्चों history सबसे पहले जानते हैं. history किसी भी chapter के लिए एक basic foundation होती है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले starting होती है इसकी corpuscular theory of Isaac Newton, Christian Huygens theory 1678, Maxwell's electromagnetic theory 1873 and Hertz theory 1887 and modern quantum theory of light. इस चैप्टर में डिफरेंट फिनोमिना ऑफ लाइट के बारे में भी जानेंगे. डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग, इन पांचों फिनोमिना के बारे में जानेंगे. ये पांचों फिनोमिना लाइट से ही जुड़े हुए हैं, लाइट से ही एसोसिएटेड है. कौन कौन से फिनोमिना है? रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग. ये टोटल पांच फिनोमिना है. आई बस समझ में. लाइट के बारे में कुछ और बातें हम लोग जानते हैं. तो चलिए हम लोग लाइट के बारे में जानते हैं. लाइट, पहला, इट पजेस ड्यूअल नेचर. इट पजेस ड्यूअल नेचर. पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, एज वेल एज वेव नेचर. सेकेंड पॉइंट, light is a electromagnetic wave that can travel even in the absence of medium. Absence of medium is called what? Vacuum. That is vacuum. Is it clear? जैसा कि हमें पता है कि वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है. आगे चलते हैं. थर्ड पॉइंट, द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन vacuum is 2997924.58 meter per second.
roughly equal to three into 10 to the power 8 meter per second. That is 3 lakhs kilometer per second. यानी वैक्यूम में लाइट 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस सिर्फ 1 सेकंड में कवर कर सकती है. आई बस समझ में सर पॉज कर दिया. नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट. इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रीट लाइन. ये हमेशा एक सीधी रेखा में ही चलती है. यानी लाइट ट्रैवल करती है एक सीधी रेखा में ही. अब आगे बच्चों हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले कि लाइट के सोर्सेस क्या क्या हैं. सोर्सेस ऑफ लाइट. तो लाइट के दो तरीके, दो सोर्सेस हैं. पहला सोर्स क्या है? नेचुरल सोर्स. दूसरा सोर्स क्या है? आर्टिफिशियल सोर्स. तो नेचुरल सोर्स ऐसे सोर्स हैं जिनसे लाइट हमें प्राप्त होती है. जैसे हमारा सन हो गया, ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो गया. आर्टिफिशियल सोर्स वो ऐसे सोर्स हैं जो कि मैन मेड सोर्स होते हैं. जैसे टॉर्च हो गया, किसी केमिकल रिएक्शन से प्राप्त होने वाली हमें जो लाइट एनर्जी है, किसी फोटो इलेक्ट्रिक मीन के द्वारा हमें कोई लाइट एनर्जी प्राप्त होती है, वो सब हमें क्या हो जाएंगे? आर्टिफिशियल सोर्स होते हैं. आई बस समझ में. आगे चलते हैं. मीडियम के बारे में बातचीत करते हैं कि यूं तो लाइट सन से अर्थ तक जब पहुंचती है, तो बीच में क्या होता है? ये वैक्यूम होता है. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. और इसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है. इसलिए सन से जब अर्थ तक लाइट रे आती है तो उसे कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन जैसे ही अर्थ के एटमोस्फियर में आती है तो एक मीडियम में ट्रैवल करती है. तो इस तरीके से देखा जाए तो वैक्यूम के अलावा मीडियम कितने टाइप के होते हैं. तो मीडियम के बारे में हम लोग आज बात करेंगे. तो मीडियम बच्चों 3 टाइप के होते हैं जिनमें लाइट रे को ट्रैवल करना होता है. तो पहला, लाइट ट्रैवल करेगी ट्रांसपेरेंट मीडियम से. कैसे मीडियम से? ट्रांसपेरेंट मीडियम से. दूसरा कौन सा मीडियम होगा? ट्रांसलूसेंट. पहला मीडियम कौन सा मीडियम हो गया? ट्रांसपेरेंट मीडियम. दूसरा मीडियम कौन सा मीडियम हो गया? ट्रांसलूसेंट मीडियम. और तीसरा मीडियम कौन सा मीडियम हो गया? ओपैक. 3 तरीके के मीडियम हो गए. तो ऐसा मीडियम जिसमें लाइट इजली प्रोपगेट कर सके, ट्रांसमिट कर सके, ऐसे मीडियम को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं. यानी इस मीडियम के आर पार लाइट रे पास हो सकती है. तो ऐसे मीडियम को हम लोग कौन से मीडियम कहेंगे? ट्रांसपेरेंट मीडियम कहेंगे. अब आइए ट्रांसलूसेंट मीडियम में. तो ऐसा मीडियम जिसमें लाइट रे पार्शियली पास हो सकती है, कंप्लीटली पास नहीं हो सकती है, ऐसे मीडियम को हम लोग ट्रांसलूसेंट मीडियम
कहते हैं। नेक्स्ट, ओपैक मीडियम। ओपैक मीडियम ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें लाइट रे ना कंप्लीटली पास हो सकती है और ना ही पार्शियली पास हो सकती है, यानी लाइट रे जिससे पास हो ही नहीं सकती है, ऐसे मीडियम को हम लोग ओपैक मीडियम कहते हैं। एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। जो स्पेक्टिकल मैंने लगा रखा है इसमें ग्लास लगा हुआ है, ये कौन सा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्योंकि इसके अक्रॉस लाइट रे पास हो सकती है। जितने भी टाइप के ग्लासेस हैं वो कौन से मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसके अक्रॉस लाइट रे क्या हो सकती हैं? पास हो सकती हैं। अब आगे बच्चों बातचीत करेंगे ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम जैसे हनी हो गया, ऑयल हो गया, ये कौन से मीडियम हो गए? ट्रांसल्यूसेंट मीडियम हो गए, इसमें से लाइट रे पार्शियली पास करेगी। अब हम लोग बात करें ओपैक मीडियम की, जैसे हमारी ये वॉल हो गई, ये मेरा डस्टर हो गया, ये हमारा ब्लैकबोर्ड हो गया, दिस इज कॉल्ड व्हाट? ओपैक मीडियम, इसके आर पार लाइट रे पास नहीं हो सकती हैं। आई बस समझ में? चलो, जैसा कि हमें पता है लाइट क्या है? विजिबल स्पेक्ट्रम्स का बंडल है, यानी लाइट क्या है? विजिबल स्पेक्ट्रम्स का एक बंच है जो कि 7 अलग अलग कलर की डिफरेंट लाइट रेस से मिलकर के बना हुआ है। 7 अलग अलग कलर की डिफरेंट लाइट रेस एक साथ मिलकर के एक व्हाइट कलर की लाइट रे में कन्वर्ट हो जाती हैं। आई बस समझ में? तो इसलिए जो लाइट रे की विजिबल रेंज होती है, लाइट की विजिबल रेंज, सो विजिबल रेंज ऑफ लाइट, विजिबल रेंज ऑफ लाइट, लाइट वेरीज from 4 into 10 to the power minus 7 meter to 8 into 10 to the power minus 7 meter. तो light ray की जो range है वो क्या है? Visible light ray की range है 4 into 10 to the power minus 7 meter से 8 into 10 to the power minus 7 meter तक। आई बस समझ में? अभी हम लोग एक फिनोमिना पढ़ेंगे आगे, उस फिनोमिना का नाम है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में हम लोग ये जानेंगे कि जब किसी लाइट रे को किसी प्रिज्म से पास किया जाता है तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट ऑफ हो जाती है। ये 7 डिफरेंट कलर्स क्या होते हैं? इसे कहते हैं हम लोग विप ग्योर। वी स्टैंड्स फॉर वायलेट, आई स्टैंड्स फॉर इंडिगो, बी स्टैंड्स फॉर ब्लू, जी स्टैंड्स फॉर ग्रीन, वाई स्टैंड्स फॉर येलो, ओ स्टैंड्स फॉर ऑरेंज, रेड स्टैंड्स फॉर व्हाट, आर स्टैंड्स फॉर व्हाट? रेड। इज इट क्लियर? सो वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो वेवलेंथ क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर होता है। और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है बेटा? 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर होती है। इसके बाद वाली जो लाइट रे की जो वेवलेंथ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंफ्रारेड, ठीक है। और इससे कम वाली की जो लाइट रे की वेवलेंथ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्ट्रा
वायलेट। आई बस समझ में, आगे चलते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी बुक के पहले चैप्टर के पहले पेज में एक बॉक्स के अंदर फिनोमेना का जिक्र किया गया है। उस फिनोमेना का नाम है डिफ्रैक्शन। बच्चे अक्सर इस बारे में पूछते हैं डिफ्रैक्शन क्या है। हालांकि डिफ्रैक्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे हम लोग हायर क्लासेस में, लेकिन डिफ्रैक्शन वर्ड का यूज किया गया है एनसीईआरटी में, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। डिफ्रैक्शन हमें पता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है, लेकिन यदि लाइट के रास्ते में कोई टाइनी पार्टिकल आ जाए, वो टाइनी पार्टिकल कैसा आएगा? क्योंकि लाइट जब किसी मीडियम में ट्रैवल करेगी तो वो मीडियम किसी टाइनी पार्टिकल का मिलकर के बना होगा। वो टाइनी पार्टिकल इन्फाइनिटेसिमल स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा, और जब लाइट रे के सामने आ जाएगा तो लाइट रे क्या हो जाएगी, अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाएगी, ठीक है ना, अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाएगी अबाउट द मीडियम। इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन कहेंगे। आई बस समझ में, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं हम लोग स्लिट के फॉर्म में। जैसे हमारे पास कोई कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये कार्डबोर्ड क्या है, एक ओपैक सरफेस है, यानी लाइट रे इस पे इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट तो होगी, ठीक है, लेकिन इसके आर पार नहीं जा सकती। लेकिन इसमें हम लोग कोई स्लिट बनाते हैं, स्लिट, इसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग स्लिट। तो मैं यहां पे सिंगल स्लिट के बारे में बातचीत कर रहा हूं, ठीक है ना। स्लिट मतलब होती है दरार, स्लिट मतलब क्या होती है, दरार। तो यहां पे कोई हमारा लाइट का सोर्स है, उस लाइट सोर्स से जब कोई लाइट आ रही है, ठीक है ना, तो जब इस लाइट सोर्स का पीछे की तरफ प्रोजेक्शन आएगा स्क्रीन पे, तो इस फिनोमेना के अकॉर्डिंग सिर्फ छोटे से पोर्शन पे लाइट विजिबल होनी चाहिए, लेकिन इस पीछे वाली स्क्रीन में लाइट जो होती है, इस पीछे वाली स्क्रीन में लाइट सिर्फ इतने पोर्शन पे नहीं दिखाई पड़ती है, इधर वाले पोर्शन में भी दिखाई पड़ने लगती है, ठीक है। जबकि आइडियली कहां आनी चाहिए थी, सिर्फ लाइट रे यहां पे आनी चाहिए थी, लेकिन वो इस पोर्शन में भी दिखाई पड़ने लगती है, यानी लाइट रे कार्डबोर्ड के एज से थोड़ी सी अंदर की तरफ मुड़ जाती है। जिसके कारण ये पोर्शन जो होता है स्क्रीन का, ये भी डार्क नहीं रह जाता है, ये पोर्शन भी वहां तक भी क्या पहुंच जाती है, लाइट पहुंच जाती है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि डिफ्रैक्शन, आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ये पूछोगे सर कि डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस रह गया। यदि डिफ्रैक्शन में भी लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाती है, डेविएट हो जाती है, सेम ही फिनोमेना रिफ्रैक्शन में भी होता है, जब लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। लेकिन बच्चों इन दोनों फिनोमेना में डिफरेंस है। इन दोनों फिनोमेना में क्या डिफरेंस है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, तब उस समय वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होती है। इस टाइम पे इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब उसी मीडियम में किसी स्लिट से पास होते हुए अलग अलग एरिया में फैल जाए, इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन कहेंगे। आई बस समझ में, तो मतलब किसी ऑब्जेक्ट के एज से टकराने के बाद जब अलग अलग डायरेक्शन में लाइट रेस क्या कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं, तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। आई बस समझ में, ठीक है।
अब मैं इसको यहाँ पे मिटाता हूँ। एनसीईआरटी में डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करने के लिए नहीं कहा गया था, हायर क्लासेस में कहा गया है। तो जब 11 ट्वेल्थ में आप लोग जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हमें जो पढ़ना है उस बारे में हम लोग एज पर द एनसीईआरटी ही डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी को डिफ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। लाइट किसी मीडियम में आई, ट्रैवल की, ट्रैवल करने के बाद में लाइट का स्टार्टिंग सोर्स हमें पता तो नहीं है, लेकिन लाइट किसी जब ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद में उसका एंड पॉइंट तो पता चल जाएगा ना। जब किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, जब कोई लाइट रे आई किसी सरफेस पे, क्या हुई, इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद में क्या हो गई, बाउंसिंग बैक, यानी टकरा करके वापस लौट जाना। इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं बाउंसिंग बैक, टकरा करके वापस लौट जाना। किसी गेंद को किसी सरफेस पे मारे, सरफेस पे मारने के बाद वो गेंद हमारे पास में वापस लौट आती है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल। सेम फिजिक्स में क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल, वो क्या कर जाएगी, अपने सेम मीडियम में लौट जाएगी किसी सरफेस से टकराने के बाद। सेम यही फिनोमिना लाइट रे के साथ भी लागू होता है। जब कोई लाइट रे आती है किसी सरफेस पे, इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने के बाद में टकरा करके वापस उसी मीडियम को लौट जाती है, तो इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो आइए इसके बारे में पहले डेफिनेशन जानते हैं। द फिनोमिना ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ लाइट लाइट इन विच इट बाउंसिंग इन विच इट बाउंसिंग बैक टू द सेम मीडियम इन विच इट बाउंसिंग बैक टू द सेम मीडियम सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन द फिनोमिना ऑफ लाइट इन विच इट बाउंसिंग बैक टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आई बस समझ में, ठीक है, लाइट का ऐसा फिनोमिना जिसमें क्या करे, बाउंसिंग बैक करे सेम मीडियम में, तो ऐसे फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन क्या ये डिफिनेशन पूरी है? नहीं, ये डिफिनेशन पूरी नहीं है। क्यों पूरी नहीं है? बाउंसिंग बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस, क्या कहेंगे, आफ्टर स्ट्राइकिंग on a surface, after striking on a surface is called reflection, आई भी समझ में, क्योंकि सेम मीडियम में ऐसे तो लौट नहीं जाएगी जब तक वो किसी पर्टिकुलर सरफेस से टकराएगी नहीं, जब तक वो टकराएगी नहीं तब तक वो बाउंसिंग बैक होगी नहीं। टकराने के बाद ही वो बाउंसिंग बैक करेगी, और बाउंसिंग बैक करेगी किसी सरफेस से टकराने के बाद में, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस देन दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं, द फिनोमेना ऑफ लाइट इन विच इट बाउंसिंग बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर?
तो बच्चों रिफ्लेक्शन के बारे में हमें पता चला, जब भी हम लोग किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ते हैं कि कोई चीज अपने जैसी यूनिक बहुत कम ही होती है। उसी तरीके से ये जो वर्ड है रिफ्लेक्शन, ये जो फिनोमिना है रिफ्लेक्शन, ये यूनिक नहीं है। ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। चलो जानते हैं कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। सो बॉयज एंड गर्ल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कौन कौन से दो टाइप है रिफ्लेक्शन के? पहला टाइप है रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या है? इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब यहां क्वेश्चन फिर से आ जाता है कि भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा है और इररेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा है? तो बच्चों अब हम लोग सरफेस के बारे में जानेंगे। सरफेस के बारे में जानने के बाद में इस दोनों तरीके के रिफ्लेक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने मीडियम के बारे में जाना। मीडियम तीन टाइप के होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम एंड ओपैक मीडियम। अब हम लोग सरफेस के बारे में जानेंगे क्योंकि लाइट रे किसी सरफेस पे आकर के इंसिडेंट होती है। तो बच्चों सरफेस कितने टाइप के होते हैं? सरफेस दो टाइप के होते हैं। पहला रफ सरफेस, दूसरा स्मूथ सरफेस। ठीक है ना? पहला क्या है? रफ सरफेस, दूसरा क्या है? स्मूथ सरफेस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रफ सरफेस क्या होता है और स्मूथ सरफेस क्या होता है। तो जब भी किसी सरफेस को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद में वो सरफेस हमें कैसा दिखाई पड़ेगा? ऐसा दिखाई पड़ेगा। आई बस में इस तरह की पीक्स दिखाई पड़ेंगी, समिट दिखाई पड़ेंगी, पीक्स। ठीक है ना? कितनी भी स्मूथ सरफेस होगी लेकिन माइक्रोस्कोप से जब आप देखोगे तो ऐसी क्या दिखाई पड़ेंगी? पीक्स दिखाई पड़ेंगी। यदि इन पीक्स की एवरेज हाइट कम हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्मूथ सरफेस कहेंगे। यदि इन पीक्स की एवरेज हाइट कम हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्मूथ सरफेस कहेंगे। जब इन पीक्स की एवरेज हाइट ज्यादा आ जाए, ठीक है ना, एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा आ जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? रफ सरफेस कहेंगे। आई बस समझ में? ठीक है। अब बच्चों हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन के उन्हीं दोनों टाइप पे जिससे हम लोग क्या कहते थे, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले इधर जानते हैं, ये हमारे पास में एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बच्चों
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन एक ऐसा रिफ्लेक्शन है जिसमें इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें इंसिडेंट रेस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेस भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब हम लोग बातचीत करते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन की। ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल तो होती हैं लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सब क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज। क्या है बच्चों, रिफ्लेक्टेड रेज है। और ये सब क्या है, इंसिडेंट रेज है। ठीक है ना। सिमिलरली इस केस में ये क्या हो गई, इंसिडेंट रेज हो गई। और ये सब क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें इंसिडेंट रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग कौन सा रिफ्लेक्शन कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। कैसा रिफ्लेक्शन कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंसिडेंट रेज तो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब लाइट रेस किसी स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट होंगी तब रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, लेकिन बच्चों जब लाइट रे रफ सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होंगी देन आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब क्या जानेंगे हम लोग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग क्या जानेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो बच्चों रिफ्लेक्शन के भी लॉ होते हैं, ये कितने होते हैं, दो लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। इसके बाद हम लोग वही जानेंगे। सो प्लीज नाउ कम टू द टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बॉयज एंड गर्ल्स नाउ कम टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन के लॉज हम लोग पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं, सरफेस के बारे में जाना हम लोगों ने कि सरफेस दो टाइप के होते हैं, स्मूथ सरफेस होता है और रफ सरफेस होता है। ठीक है ना। तो लाइट रे आई, ठीक है, This is what segment of light ray. तो इस light ray के segment को हम लोग किससे denote करने जा रहे हैं बच्चों, AP से, AP. Is that clear? तो light ray किसी point पे आकर के incident होती है। P is the point जहां पे light ray आकर के incident होती है। और After reflection and after striking on this particular surface, ये light ray क्या करेगी, bouncing back करेगी। ठीक है ना। तो इस time पे जब वो bouncing back करेगी तो then light ray के segment को हम लोग क्या कहेंगे, PB कहेंगे। क्या कहेंगे, PB
बी कहेंगे आई बस समझ में, और इस पी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस एपी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, एपी को कहेंगे इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। पी बी को क्या कहेंगे, पी बी इसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब क्या करना होगा, हमें इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रा करना होगा। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस। क्या ड्रा करने जा रहे हैं हम लोग, एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। दैट मीन्स ये जो नॉर्मल का ये पॉइंट होगा, दिस इज व्हाट एनपी इज व्हाट नॉर्मल, एन पी इज व्हाट नॉर्मल, नॉर्मल टू दी सरफेस। अब बच्चों इधर तो जानते हैं हम लोग, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड आई, इज कॉल्ड व्हाट आई, दिस इज व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड व्हाट आर, आर इज स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक बार बच्चों हम लोग आई के बारे में यहां पे लिखते हैं, आई, आई क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, और आर, आर इसे हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और किसी एंगल के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है, तो यहां पे हम लोग क्या कहेंगे, एंगल आई और एंगल आर। सिमिलरली ये हो जाएगा एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में बच्चों, ठीक है। ये यहां पे एक बार फिर से मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, दिस इज व्हाट, इंसिडेंट रे, और यहां पे मैं क्या लिखना चाहूंगा, रिफ्लेक्टेड रे। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट लॉ मैं सीरियस करने जा रहा हूं, आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों पहला लॉ क्या कहता है हमारा, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ बहुत ही सिंपल है, सिंपल बिल्कुल ठीक ऐसा लॉ हम लोगों ने साउंड में पढ़ रखा था। क्या लॉ है, इंसिडेंट लाइट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल, और नॉर्मल कहां पे खींचा जाएगा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऑल लाई इन सेम प्लेन, क्या करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे, इन सेम प्लेन।
ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। ठीक है, सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों, कि किसी भी रिफ्लेक्शन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। दैट मींस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू व्हाट, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection, is always equal to the angle of reflection. तो सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि यहां तक कंप्लीट किए गए सभी टॉपिक्स आप सभी को समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करें। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और रिमेनिंग पार्ट उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।